Good morning, dear students. This is your English class. Children, today we are going to start the new lesson that is The Foolish Man and His Son. Okay? So, open your page number 91. On the top here, one picture has been given you. Close your eyes and draw the donkey's tail in the picture. क्लोज योर आईज एंड ड्रॉ द डोंकी टेल इन द पिक्चर आपको क्या करना है अपनी आंखों को क्लोज करना है और डोंकी की टेल ड्रॉ करनी है ओके नाउ लेट्स रीड द रैमिंग वर्ड्स ग्लॉसरी वर्ड्स ओके फर्स्ट वर्ड इज सिक्स एस आई एक्स सिक्स and its rhyming word is fix f i x fix turn your page second word is met m e t met and its rhyming word is set s e t set next word is carry c a r r y carry and its rhyming word is marry m a r r y marry Next word is seen. S-double-e-n seen, and its rhyming word is keen. K-double-e-n keen. Next word is head H-a-d head. Its rhyming word is led. L-a-d led. Okay, children. Now come to the glossary words. Word is twisted. Its meaning is bent this way and that. इसका हिंदी मीनिंग है मुड़ना ठीक है जैसे हम किसी चीज को uh, मोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बैंड करते हैं ना तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विस्टेड ओके बैंड दिस वे एंड दैट नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज इट्स मीनिंग इज टू मेक सम वन हैप्पी टू मेक सम वन हैप्पी किसी को खुश करना ठीक नेक्स्ट वर्ड इज टायर्ड टी आई आर ई टी टायर्ड इट्स मीनिंग इज आउट ऑफ एनर्जी टायर्ड मीन्स होता है बेटा जब हम लोग आप लोग जैसे बहुत खेलते हो खेलते ही खेलते थक जाते हो ना तो फिर आप कहते हो कि हम टायर्ड हो गए मीन्स में बहुत थक गया हूं अब अब एनर्जी नहीं है खेलने की तो उसी को यहां बोला गया है आउट ऑफ एनर्जी टायर्ड आउट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट वर्ड इज फनी एफ यू डबल एंड बाई फनी इट्स मीनिंग इज समथिंग दैट मेक्स यू लाफ कोई ऐसी चीज जिसके द्वारा आप हंसे ठीक है तो उसको हम कहते हैं फनी ठीक है टर्न पेज फुलिश फुलिश मीन्स सिली इसका हिंदी मीनिंग है फुलिश मीन्स मूर्ख ओके चिल्ड्रेन नाउ लेट्स रीड द लेसन वंस अपॉन अ टाइम देर लिव्ड अ फुलिश मैन हिज नेम वॉज रामू एक समय की बात है कि एक फुलिश मैन रहता था जिसका नाम था रामू ही a donkey. एंड ही लव्ड हिज टोंकी वेरी मच उसके पास एक टोंकी था और वो उस टोंकी को बहुत प्यार करता था रामू हेडरसन सिक्स इल्ड रामू का एक बेटा था जो छ साल का था वन डे एक दिन ही डिसाइडेड टू गो टू द टाउन टू बाय अव शर्ट फॉर हिज सन तो एक दिन रामू ने डिसाइड किया क्या डिसाइड किया कि वो टाउन जाएगा और वहां से वो अपने बेटे के लिए एक न्यू शर्ट खरीदेगा ही his son एंड द donkey अलोंग विथ हिम उसने क्या किया अपने बेटे को और डोंकी को साथ में लिया और मार्केट चला गया ठीक टर्नियो पेस्ट चिल्ड्रेन द टाउन वॉज फार अवे जो टाउन था वो बहुत दूर था रामू एंड हिज सन गॉड टायर्ड वॉकिंग रामू और जो उसका बेटा था वो चलते चलते बहुत थक गए थक गए थे एज दे कैप्ट वॉकिंग दे सॉ अ फ्यू गर्ल्स लाफिंग एट दम ऐसे चलते चलते जब वो चले जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ गर्ल्स हैं जो उनके ऊपर हंस रही हैं what is the use of having a donkey you are walking instead of riding on it said one उन तीनों में से एक ने कहा कि डोंकी का क्या क्या यूज है जब तुम चले ही जा रहे हो उसके ऊपर चढ़ने की बजाय तुम लोग तो पैदल ही चले जा रहे हो तो उसका क्या यूज है उसको साथ में लेके जाने का रामू thought about it रामू ने इस बारे में सोचा ही टोल्ड हिज सन उसने अपने बेटे से कहा यू राइट द डोंकी तुम डोंकी पे बैठ जाओ आई विल वॉक मैं पैदल चलूंगा ठीक है सो चिल्ड्रन दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड टूडेज योर होमवर्क इज लर्न एंड राइट राइविंग वर्ड्स एंड ग्लॉसरी वर्ड्स एंड रीड द लेसन ऑल्सो ओके And tomorrow we will continue the same lesson. Okay, children. Thank you.